इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आपने फोकस प्लस सॉफ्टवेयर में जिन स्टूडेंट्स की फीस अभी बाकी है उनको आपने पेंडिंग फीस या फिर ड्यू फीस का एसएमएस कैसे करना है ताकि आप समय पर सभी स्टूडेंट से फीस कलेक्ट कर पाएं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने टेम्पलेट क्रिएट करने हैं। टेम्पलेट बनाने के लिए हमने पहले भी मैंने आपको बताया है, जैसे कि हेल्प में आके एसएमएस टेम्पलेट्स पे आना है। यहाँ ये पहले से बने हुए हैं टेम्पलेट। अभी हमने पेंडिंग फीस के रिगार्डिंग टेम्पलेट बनाना है, तो उसके लिए हमने आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल पे एक तो बना लेते हैं हम सबसे पहले, क्योंकि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में सभी स्टूडेंट आते हैं जिनकी फीस जो है वो पेंडिंग होती है। तो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में जाके ही आप एसएमएस कर सकते हो जो भी स्टूडेंट्स की फीस बाकी है। तो इसलिए हम आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल को क्लिक करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसके लिए हमने टेम्पलेट बना लेना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम एक टेम्पलेट बना रहे हैं। डियर के बाद यहाँ पे पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आएगा जब मैसेज जाएगा स्टूडेंट को। योर टोटल फीस बैलेंस इज, यहाँ पे हम बैलेंस एज ऑन डेट डालेंगे। यहाँ से हमने डायनामिक फील्ड में से डबल क्लिक करना होता है जो भी हमने चूज करना है फील्ड। तो इस तरह से आपने एसएमएस टाइप करके इसको ओके कर देना है। देखिए ये आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल पे टेम्पलेट तैयार हो चुका है। एक टेम्पलेट हम कलेक्शन रिपोर्ट पे बना लेते हैं। अभी जो भी स्टूडेंट्स की इंस्टॉलमेंट अगर पेंडिंग पड़ी है उनको आप कलेक्शन रिपोर्ट में जाके एसएमएस कर सकते हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक टेम्पलेट बना लेते हैं। इसको डबल क्लिक करेंगे कलेक्शन रिपोर्ट को। यहाँ पे भी हम टाइप कर लेंगे एसएमएस, यहाँ पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ड्यू डेट सेलेक्ट करेंगे डायनेमिक फील्ड में से, इसको डबल क्लिक कर लेंगे ड्यू डेट को। जब एसएमएस जाएगा स्टूडेंट को तो यहाँ पे जो भी डेट होगी ड्यू वो दिखाएगा सॉफ्टवेयर। यहाँ पे बैलेंस अमाउंट हम सेलेक्ट कर लेंगे, डबल क्लिक कर लेंगे। तो डायनामिक फील्ड में से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने कोई भी फील्ड चूज करना है। ये मैंने अभी एग्जांपल के तौर पे आपको बनाकर दिखाया है टेम्पलेट जो है, इसको अभी हम ओके कर देंगे। देखिए ये दोनों हमने टेम्पलेट बना लिए हैं, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल रिपोर्ट पे भी और कलेक्शन रिपोर्ट पे भी। अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। अभी मान लीजिए आपने उन स्टूडेंट्स को एसएमएस करना है जिनकी फीस जो है पेंडिंग है। इसके लिए आपने रिपोर्ट्स में आना है। रिपोर्ट्स पे आके आप आउटस्टैंडिंग एनालिसिस पे आएंगे। यहाँ रिसीवेबल पे क्लिक करके ओके करोगे आप। डेट जिस डेट तक आप देखना चाहते हो पेंडिंग फीस उस डेट को डालेंगे आप, उसके बाद ओके कर देंगे। आज की डेट तक जितने भी स्टूडेंट्स की जो भी फीस बैलेंस है वो दिखा देगा रिपोर्ट में आपको सॉफ्टवेयर। जिन स्टूडेंट्स को आपने मैसेज करना है उसको आप टिक लगा लोगे आगे से, या फिर आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हो। अदरवाइज आप पर्टिकुलर स्टूडेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हो आगे से। आपने एसएमएस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी हमने टेम्पलेट बनाया था सॉफ्टवेयर आपको दिखा रहा है। अभी आप सीधे यहाँ पे सेंड एसएमएस पे क्लिक कर दोगे। तो सेंड एसएमएस पे क्लिक करते ही स्टूडेंट्स को एसएमएस चला जाएगा फीस डिटेल के साथ। तो इसे अभी हम क्लोज कर देते हैं। इसी तरह से अगर आप देखना चाहते हो कि जो जो भी स्टूडेंट्स की फीस इंस्टॉलमेंट बाकी है अभी तक
उनकी रिपोर्ट आपने देखनी है, उनको SMS करना है, तो आपने रिपोर्ट्स में आके इंस्टॉलमेंट्स कलेक्शन रिपोर्ट पे आना है। इसको आप ओपन करोगे, यहाँ किस डेट से लेकर आप चेक करना चाहते हो इंस्टॉलमेंट रिपोर्ट जो पेंडिंग है, वो डेट डाल के आपने ओके करना है। तो आपके पास वो लिस्ट आ जाएगी सभी स्टूडेंट्स की जिनकी इंस्टॉलमेंट जो है बाकी है अभी तक। यहाँ पे ऊपर शो ड्यू पे टिक लगाया हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे ड्यू फीस, जो भी ड्यू फीस है जिन स्टूडेंट की, वो दिखा रहा है लिस्ट आपको सॉफ्टवेयर। तो इनको अगर आपने SMS करना है तो आपने आगे से इनको टिक लगाना है। स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने के बाद हमने SMS पे क्लिक करना है। यहाँ आपको टेम्पलेट दिखा रहा है जो हमने कलेक्शन रिपोर्ट के लिए बनाया था, तो अभी हम सीधे यहाँ पे सेंड SMS पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से सेंड SMS पे क्लिक करते ही आपके स्टूडेंट्स को SMS चला जाएगा कि अभी तक आपकी जो इंस्टॉलमेंट है फीस की वो ड्यू है। इस तरह से आप सभी स्टूडेंट को SMS कर सकते हो। तो इसके रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है आपका, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो। थैंक यू।